पूजा कर ली, हमने चांद देख लिया है, अब वो माता जी को भोग लगा देते हैं अपनी करवा माता को। नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ, तो सभी बहनों को मेरी ओर से हैप्पी करवा चौथ। और ये देखिए हमारा बेटा खेल रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स, सुबह के हमारे सारे काम हो चुके हैं, मैंने भी नहा लिया। ये देखिए हमारे बाल अभी गीले हैं। तो फ्रेंड्स, सारे काम तो हो चुके हैं हमारे, मेहंदी नहीं लगा पाई थी। ये देखिए मेरे दोनों हाथ खाली हैं, ये मेरी बेटी सो गई थी इसलिए मेहंदी, यही मेरी मेहंदी लगाएगी। तो अभी चलो थोड़ा टाइम है, अभी 2-3 घंटे आराम से लग जाएगी, तब तक हो जाएगा तो लगवा लेते हैं। बाबू तो ऐसे जग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर इसको आशी खिला लेगी, जब तक लगा लेते हैं। थोड़ी थोड़ी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, शगुन के लिए लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लगा लेते हैं मेहंदी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अनन्या लगा रही है मेहंदी, थोड़ी पूरी बन गई है, थोड़ी बहुत रहती है अभी, थोड़ा करना है, काफी हो गई है, थोड़ी थोड़ी सी ये रहती है, थोड़ी सी ये रहती है, फिर हो जाएगी। और ये मैं ये वाली मैंने लगाई है, अभी थोड़ी सी रहती है, ये भी सूख जाएगी, फिर दिखाएंगे। कथा का टाइम हो चुका है, 5 बज चुके, तैयार भी होना है, 5:30 से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए पहले अपने जो करवा में भरते हैं सामान वो भर लेते हैं, उसके बाद थाली सजा लेंगे, उसके बाद फटाफट तैयार हो जाते हैं क्योंकि जाना है। और देखिए नन्हिया शीशा देख देख के हंस रही है। बाबू मेरा सो गया यहाँ पे और आशी उधर रूम में है, नन्हिया इधर खेल रही है। मतलब थाली तैयार कर लेते हैं, उसके बाद तैयार भी होना है, अभी टाइम हो गया काफ़ी। आ जाइए, हमारा यहाँ पे रखा हुआ झाड़ू पोछा हमने कर दिया था यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आ गए यहाँ पे, अपना करवा धुल लिया है हमने, उसके बाद सारा सामान जो भी पूजा का हमारा रहता है हम इसके अंदर डालेंगे भोग लगाने के लिए मैया को, मतलब करवा माता को। तो उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा सजा देती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी का तो है नहीं, पीतल का है, तो जितना हो सकेगा उतना कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 स्वास्तिक बना दी थी और यहाँ पे रख दिया था मंदिर के पास। और इसमें सारा सामान अब हम भर देंगे, जो भी मतलब होता है, लगता है जो भी मतरानी को। तो ये देखिए लैया या थी, जो इसी में सारा भर देंगे। और एक ये देखिए करवा बना हुआ आता है, इसको भी भरते हैं। और ये है फ्रेंड्स मट्ठी, जो कि हम खाते नहीं हैं लेकिन कथा सुनने जाते हैं, तो पंडितानी आंटी जो उनको सुनाती हैं उनको देनी पड़ती है, तो उनको हमने वही मतलब ले आए थे, तो वो उसमें भी भर लिए। करवे में सारा सामान अपना भर दिया है। और मिठाई अभी नहीं भरी थी हमने, मिठाई हमारी रहती थी, जो कि हस्बैंड जी बोले थे कि हम जब उधर से आएंगे, डाइट उन गए थे ड्यूटी, तो उन्होंने कहा जब उधर से आएंगे तो ले आएंगे। तो वो जब लेके आए थे तो मैंने इसमें पूजा करने से पहले ही डाल दी थी। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स पैरों में मेहंदी बिल्कुल नहीं लगा पाई थी, क्योंकि आपने देखा ही था अंधेरा काफ़ी हो गया था मतलब कि, तो इसलिए नहीं लगा पाई थी। तो तैयार भी होना था तो फटाफट मैंने कहा ये लगा लेते हैं, ये भी शुभ होता है, फ्रेंड्स पैरों में लगाते हैं हमारे, तो ये मैंने आलता पैरों में लगा लिया, हमारे यहाँ तो रंग बोलते हैं, तो वही मैंने लगा लिया था। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फिर फटाफट मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली थी। और उसके बाद ये जो साड़ी थी हमारी, ये रेडीमेड थी बनी हुई, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगा था इसको, तो बस मुझे सिर्फ बांधना था, क्योंकि ये बेल्ट वाली थी तो इसमें हुक लगा हुआ था, बस हुक लगाना था, तो मैंने जल्दी से पहन ली है। और अनन्या को भेज रहे थे बार बार, अनन्या देख के आओ, गली में कथा हो रही थी, गली में पंडितानी आंटी के घर पर, तो मैं बोल रही थी देख के आओ, अनन्या स्टार्ट तो नहीं हो गई, अनन्या 2-3 बार देखने गई, तो वो बाहर ही से आ गई, अंदर से पूछ के नहीं आई कथा स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई। उसके बाद मैंने कहा फटाफट तैयार हो जाते हैं, निकलना भी है, तो ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा कर लेंगे। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन तो सारी महिलाएं तैयार होती खूब अच्छे से, 16 श्रृंगार तो करनी चाहिए फ्रेंड्स,
इतना बड़ा त्यौहार है ये। तो देखिए आई मेकअप मैंने पहले किया था, उसके बाद हमारा आई मेकअप हो चुका है। मैंने काजल आई शैडो लगा लिया है और थ्रेडिंग भी सेट कर ली थी अपनी। उसके बाद लगाएंगे हम बिंदी, और बिंदी लगाने के बाद थोड़ी देर में देखना, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हस्बैंड जी आ चुके थे। मैं तैयार हो रही थी जल्दी क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, मैं फटाफट तैयार हो रही थी और हस्बैंड जी अंदर आके कुर्सी पे बैठ गए थे और मैंने उनको देखा नहीं क्योंकि मैं तो लगी थी मेकअप में, तो मैंने देख लिया था लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी मेकअप में लगी तो वो खांस रहे कि मैं आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, वो हंसने लगे कहते। अब मैंने कहा खांस रहे तो मैं बोलती हूँ कि अनन्या पानी दे डैडी को, खांसी आ रही है। कह रहे रही मैं तो ये बता रहा हूँ कि मैं घर पे आ गया हूँ। मैं कही अच्छा, तो बस इसीलिए हम सब लोग हंसने लगे फ्रेंड्स। पापा पता मेरे को बेल्ट पे ढीली आ रही है, अभी खड़े होंगे तब देखना। और मैंने यहाँ पे पिन लगाई है अपने ब्लाउज में। सो फ्रेंड्स कथा हमारी गली में ही हो रही थी तो मैंने सुन ली थी। उसके बाद सारी गली की लेडीज़ों ने बोला कि चलिए मंदिर चलते हैं, मंदिर में आशीर्वाद लेके आते हैं भगवान जी का सारे लोग। तो हम लोग फिर मंदिर आ गए थे और यहाँ मंदिर में भी कथा सुनाते हैं, जिनके गली में नहीं होती है तो वो मंदिर में सुनते हैं यहाँ के। देखिएगा इस मंदिर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, हमने तो अपनी गली में ही सुन ली थी, सारी गली की औरतें जितनी भी रहती हैं सब लोगों ने गली में भी सुन ली थी। उसके बाद फ्रेंड्स खाने में बनाते हैं हमारे यहाँ कढ़ी चावल और पूड़ी, ये मतलब शुरू से हमारे यहाँ बनता आया है तो हम लोग वही बनाते हैं, तो हम वही बनाएंगे कढ़ी चावल पूड़ी। और कमेंट बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो ठीक है गाइस करते हैं अपना काम। चावल चढ़ा दिए जीरे वाले, अब मम्मी गूंद रही हैं आटा। तो मम्मी आज तो गाइस पूरी हमारी बन चुकी है और अब मैंने कढ़ी भी छोंक दी है।
तो चलाते रहेंगे जब से जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो गाइस चांद निकल चुका है, चलिए पूजा कर लेते हैं फटाफट। चलो चलो ऊपर चलो ऊपर। आशीर्वाद कर ली हमने, चांद देख लिया है। अब वो माता जी को भोग लगा देते हैं अपनी करवा माता को। तो फ्रेंड्स पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत तेज की लगी भूख, तो हम लोग खा रहे खाना। अनन्या आज इन्हें खा लिया है, अभी तल लगेगा खाना खाने जा रहा है। तू भी जा, मामा खाने पर सुन दो।